हेलो दोस्तों, नए दिन नए सफर में आपका स्वागत है। और आज की जो जर्नी है वो हमारी होने वाली है राजस्थान से जम्मू की। एक्चुअली मैं अभी हूँ बीकानेर में और यहीं से जो है मेरी ट्रेन है, और ये जो जर्नी है वो पूरी की पूरी बजट में करूँगा। तो आपको भी पता चल जाएगा वैष्णो देवी जाने के लिए आपको कितने रुपये पॉकेट में चाहिए। उसके बाद जो है वैष्णो देवी के दर्शन करने के बाद हम लोग जाएंगे आगे श्रीनगर और गुलमर्ग। तो सारी जो वीडियो है वो आपको बैक टू बैक देखने को मिलेंगे। तो अभी जल्दी से अंदर चलते हैं क्योंकि 10 मिनट का इसका यहाँ पे जो है स्टॉपेज है, और अभी गाड़ी वैसे भी 2 से 5 मिनट लेट है, तो 5 मिनट हमारे पास है, तो अंदर चलते हैं। तो भाई ये ऊपर वाली सीट अपनी है, नीचे वाली कोई पैसेंजर आएगा तब देखेंगे किसकी है। एक बार तो अपन ही बैठ जाते हैं। तो भाई राहुल किससे बात कर रहे हैं? ओहो भाई, ये जो सीट है भैया की है, तो भैया ने कहा बैठ जाओ, तो बैठ जाते हैं यार। सीट में क्या, रात को सोने के लिए ऊपर वाली चाहिए। हनुमानगढ़। अच्छा भैया तो हनुमानगढ़ तक जाएंगे, तो ये सीट अपनी है भाई, आगे के आगे देखेंगे। ठीक है भाई, राहुल को भाई बोल दिया है। थैंक यू भाई आने के लिए। पापा का पर, अच्छा इंस्टाग्राम पे सब इसको पापा का परा के नाम से फेमस है ये। एंड दिस हैव आई थिंक 35K फॉलोवर्स है ना, 35-36। ओके ब्रो, हाँ। तो भाई ट्रेन हमारी राइट टाइम पे स्टार्ट हो चुकी, बीकानेर जंक्शन को बाय बाय। अब शायद आई थिंक ये सूरतगढ़ रुकेगी, एंड इसके बाद जो है ये रुकेगी हनुमानगढ़। उसके बाद जैसे जैसे आएगा जो भी स्टेशन, मैं आपको अपडेट देता रहूँगा। वेल गाइज, अगर बात करें इस ट्रेन की, तो ये जो ट्रेन है वो है भगत की कोठी टू जम्मू तवी, और इस ट्रेन के नंबर है 19225। भगत की कोठी जोधपुर से ये जो ट्रेन है वो डेली रन करती है जम्मू तवी के लिए, और इसकी जो टाइमिंग है वो सुबह 6:20 से इसका डिपार्चर टाइम है भगत की कोठी से, और अगले दिन सुबह 6:20 में ये जो ट्रेन है वो जम्मू पहुँचती है। मैंने ये जो यात्रा है वो शुरू की थी बीकानेर से, और बीकानेर इसका जो टाइम है वो है 11:55 पे आने का, और इसका जो डिपार्चर टाइम है वो है 12:05। तो भाई अभी जो स्टेशन है वो आया है सूरतगढ़ जंक्शन, और बीकानेर के बाद ये सीधा सूरतगढ़ ही रुकती है। बीच में और भी स्टेशन आते हैं लेकिन इसका जो स्टॉपेज है वो सूरतगढ़ है, लालगढ़ के बाद सूरतगढ़ है। और यहाँ पे पानी वानी की सारी व्यवस्था आप लोगों को मिल जाएगी। बाकी यहाँ का जो पानी है ना वो बहुत खारा है यार। बाकी खाने पीने के लिए भी कुछ स्टॉल्स जो है वो मिल जाएगी आपको, कोई ऐसा इशू नहीं होगा। और यहाँ पे जो है आर्मी वाले बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इधर ये कोई रेंज है इनका सूरतगढ़ रेंज, तो इस कारण से, क्योंकि पाक जो बॉर्डर है वो पास में ही है। और यहाँ पे भी शायद आई थिंक 5 मिनट का होल्ड है इस ट्रेन का, और इसके बाद ये जो ट्रेन है वो रुकेगी पीलीबंगा, और पीलीबंगा के बाद जो है ये जो ट्रेन है वो रुकेगी हनुमानगढ़। तो चलते हैं अभी, जैसे जैसे जो भी आएगा वो मैं आपको बताता चलूँगा। ये जो सीट है ना ये सही लगी मुझे एकदम से, यहाँ पर बैठ जाओ, दोनों तरफ से जो व्यू है वो मतलब दिखता रहेगा आपको। खैर व्यू तो अंदर से भी दिखता है, बट सही है यहाँ पे बैठे रहोगे, नेचुरल आप लोगों को हवा खानी है, अंदर तो ऐसी है। तो भैया ट्रेन 12 मिनट लेट है यहाँ से, और अगर पेंट्री कार, वैसे पेंट्री कार तो नहीं है लेकिन हर स्टेशन पे आपको कुछ ना कुछ स्टॉल्स वगैरह ऐसे मिल जाएगी, तो यहाँ से आप पानी भी ले सकते हो, सारी चीज़ें जो है मतलब भूखे तो नहीं मरोगे आप। बाकी अपना खाना तो बठिंडा में आएगा, ऑर्डर किया हुआ है, वो जब आएगा तब देखेंगे। ये तो नाम था यार उसका, तो अभी रेनोवेट हो रहे हैं सबके सब, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर क्या बोलते हैं वो सब सही हो रहा है इन सब का, तो सारे जो स्टेशन है वो एकदम से रेनोवेट होंगे, काफ़ी हाईटेक बन जाएंगे। अच्छा जी, पीलीबंगा है 25 किलोमीटर, हनुमानगढ़ है 50, तो दो जो स्टेशन है, संगरिया भी रुकेगी, तीन जो स्टेशन है पास पास में 25-25 किलोमीटर की दूरी पे। और यार खूबसूरती देखो यहाँ की, हरियाली, वाह। ये भैया एक दाल वाले आए थे, उनसे दाल ली है, बाकी तो कोई आया नहीं अभी तक, स्टॉल वगैरह काफ़ी आगे थे। और पीलीबंगा में हूँ मैं अभी, मतलब ट्रेन रन कर चुके हैं, ये भी स्टॉपेज है जैसा कि मैंने आपको पीछे बताया। अब ये जो गाड़ी है वो हनुमानगढ़ में रुकेगी, तो वहाँ कुछ खाने के लिए लूँगा क्योंकि अभी बहुत ज़ोरों से भूख लगी हुई है, और मेरा जो खाना है वो आएगा शाम को 6:30, तो सुबह मैंने बस ब्रेड वगैरह खाई थी फिर निकल गया। 4 घंटे की जर्नी के बाद हम लोग पहुंच चुके हैं हनुमानगढ़ जंक्शन, और बड़ा स्टेशन है, ऐसा नहीं है छोटा मोटा है, बड़ा स्टेशन है। देखिए यहाँ पे काफ़ी सारे स्टॉल्स आप लोगों को मिल जाएंगे यहाँ पे। ठीक है भैया,
तो काफ़ी सारे स्टॉल्स आप लोगों को मिल जाएंगे और खाने पीने की यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम जो है वो आप लोगों को नहीं होगी, सब कुछ है। देखिए बड़ा स्टेशन है जैसे जंक्शन, और यहाँ पे भी है मतलब काफ़ी सारे फूड स्टॉल यहाँ पे मिल जाएंगे, तो खाने पीने की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और 5 मिनट गाड़ी का होल्ट यहाँ पे है, 5 मिनट रुकेगी इसके बाद वापस रन। और हम लोगों को तो सुबह कल 6 बजे जो है ये ट्रेन जम्मू छोड़ेगी। अब इसके बाद ये संगरिया रुकेगी, इसके बाद 1-2 स्टेशन और है, तो उसके बाद जो है ये हमें छोड़ेगी बठिंडा जहाँ से मेरा खाना आएगा। तो चलते हैं वापस अंदर अपने सीट पे, इंतज़ार करते हैं इस ट्रेन के चलने का। यार कुछ रखो ना रखो लेकिन पानी की बोतल अपने साथ हमेशा कैरी करना, पता नहीं कब काम आ जाए। मेरा पानी जो है मैं हर स्टेशन से फिलअप करता था, तो अभी पानी पड़ा है इसके अंदर, लेकिन अभी यहाँ पे है तो मैं उसका वापस इसको रिफिल कर लें ताकि आगे पता नहीं कहाँ पानी मिले कहाँ नहीं मिले। इसलिए क्या भाई ट्रेन ने मतलब 5 मिनट रुकी है, थोड़ी सी लेट भी है, तो 3 मिनट रुकी है ये, और अभी वापस रन चलते हैं अंदर पे। ट्रेन जो है वो है रन कर रही है, ऐसे कोई डिले नहीं हो रही, 10-15 मिनट चलता है यार। मैंने खाने के लिए रखा ये टेस्टी है और जो कि भुने हुए मसालेदार। पहुंच चुके हैं बठिंडा जंक्शन और अभी मेरा खाना भी जो है वो यहीं पे आएगा। लोंडे लोग भाग रहे हैं यार, देखिए कैसे ट्रेन को पकड़ने के चक्कर में। बाकी अपना जो फूड है वो डिलीवरी करने वाला आने वाला है इधर को, और वैसे यहाँ पे बाहर से मंगवाने की भी जरूरत नहीं है, ऑनलाइन यहाँ पे आप लोगों को काफ़ी सारे फूड छोले भटूरे वगैरह सब कुछ जो है वो मिल जाएंगे, तो यहाँ से भी आप लोग खा सकते हो। और 10 मिनट का इसका होल्ट है यहाँ पे, 10 मिनट बाद ये जो है वापस चलेंगे। अभी फूड आ जाए उसके बाद ये वीडियो कंटिन्यू करता हूँ। खाना हमारा आ चुका है और ट्रेन ने भी हॉर्न दे दिया है, तो अभी अंदर चलते हैं और अभी जो है मैं आपको बस खाना फिनिश करता हूँ, उसके बाद जो है सुबह ही मिलूँगा जम्मू में। तो आगे अंधेरा हो चुका, अब मैं क्या दिखाऊँ आपको, ऑलरेडी 6:30 बज चुके हैं, तो अब कुछ दिखाने लायक तो है नहीं कौन सा स्टेशन है क्या, फिर भी कुछ होगा तो मैं दिखाऊँगा, वरना आप ये जो वीडियो है मैं सुबह ही कंटिन्यू करूँगा। लोग हैं अभी फिरोजपुर जंक्शन पे और ये जो ट्रेन है इसका टाइम है यहाँ पहुँचने का 8:20, डिपार्चर का टाइम है 8:45, यानी कि ये जो गाड़ी है वो यहाँ पे खड़ी रहती है 25 मिनट के आसपास, और शायद इसका इंजन चेंज होता है, अभी एक इंजन गया था वो घूम के शायद इस पे लगता है, तो ये भी हो सकता है इसीलिए यहाँ पे ये जो है 25 मिनट खड़ी रहे। तो खाना वाना यहाँ पे फिरोजपुर स्टेशन पे, आप लोग अगर इस रूट से जा रहे हो मतलब जोधपुर से या बीकानेर से जम्मू की ओर जा रहे हो, तो खाने पीने की जो है थोड़ा राजस्थान में थोड़ी प्रॉब्लम होगी, लेकिन हनुमानगढ़ से निकलने के बाद आपको खाने पीने की कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं होगी। पानी वानी खाना पीना सब जो है इस ट्रेन में इस हर स्टेशन पे आप लोगों को ईजिली मिल जाएगा। तो अभी मैं अभी अंदर जाके सोता हूँ क्योंकि अभी तो 9 बज चुके और सुबह 5 बजे मेरे को जगना है। 6:20 पर जो ट्रेन है वो छोड़ेगी हमें, 6:10 पर जम्मू, तो थकावट भी होगी, कल पूरा दिन ऊपर पहाड़ पे माता रानी के दर्शन भी करने हैं, वहाँ भी जाना है, तो अभी अंदर चलते हैं, मैं सोता हूँ, सुबह आप लोगों से मिलता हूँ। कृपया ध्यान दीजिए गाड़ी संख्या 1-9-2-2-5 18 घंटे की जर्नी कंप्लीट करके हम लोग पहुंच गए हैं जम्मू, अब यहाँ से बाहर निकलते हैं। एक्चुअली सबसे पहले बता दूं अगर आपको सिम लेनी हो तो वो ले लेना, मेरे पास तो पोस्टपेड है तो कोई इशू नहीं है, बाकी प्रीपेड सिम यहाँ पे आते ही बंद हो जाएगा, पठानकोट के अंदर एंट्री करते ही बंद हो जाता है। और अभी ये खाना डिस्ट्रीब्यूट करते हैं किसी को, मेरे पास पड़ा था। और दूसरी चीज़ मैं ये बता दूँ कि अब यहाँ से जो है बस पकड़नी पड़ेगी, स्टेशन के जस्ट बाहर निकलते ही बस आप लोगों को मिल जाएगी, तो बस पकड़ेंगे और उसके बाद जो है हम लोग चलेंगे कटरा। तो दिखाता हूँ आपको बस आपको कहाँ से लेनी है, ना हम लोगों ने दे दिया किसी को, तो पराठे थे मैंने तो खाए नहीं रात को, ख़राब भी नहीं हुए, सही थे, सुबह एक खाया था, 3-4 थे उसमें। ये वाली चीज़ है ना भाई, ये अलग फीलिंग है देखो। चलो भाई अभी चलते हैं कटरा। अच्छा कटरा के लिए यहाँ से आप लोगों को ट्रेन भी मिल जाएगी जो अभी आ रही है, तो हर एक घंटे में पौन घंटे में आपको ट्रेन मिलती रहेगी। तो अभी सबसे पहले हम लोग, मैं तो बस से ही जाऊँगा, तो सबसे पहले मैं आपको वहीं पे मिलता हूँ, हो सकता है मैं ट्रेन से भी चला जाऊँ क्योंकि यहाँ पे मेरे भैया आ रहे हैं मुझे लेने के लिए, तो उनके साथ जाने के बाद देखते हैं क्या होता है। वो स्टेशन है, स्टेशन से जैसे ही यहाँ पे आओगे टर्न करोगे तो भैया आपको मिलेंगे,
सिम वगैरह लेना तो इनसे ले लेना। बाकी एक ब्रो वाली टिप दूं, आप प्री पोस्ट पेड ले लेना ताकि इन फ्यूचर जब भी यहाँ पे आओ, जम्मू या कश्मीर या कटरा जहाँ पे भी आओ, तो आपको जो है बार बार सिम लेने का झंझट खत्म हो जाएगा। प्री पोस्ट में वही 10 रुपये एक बार प्लान करवा लो और आपके जो है एक महीने में प्रीपेड का वही है, प्री पोस्ट पेड का वही है कि 10 रुपये का एक बार रिचार्ज करवा लो और आपके चलता रहेगा। फिर जब भी जम्मू या कहीं पे भी आओ, मतलब आउट ऑफ इस स्टेट में आओ, जम्मू या कश्मीर में श्रीनगर साइड आओ, तो आपको जो है बार बार रिचार्ज करो, वो सिम लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ट्रेन से जा रहा हूँ कटरा और ये एक नंबर पे हमारी ट्रेन है, टिकट डेली 60 रुपीज़ की मुझे टिकट पड़ी है। तो आप लोग भी प्रेफर करना कि बस, ट्रेन नहीं हो तो बस से चले जाना, अभी ट्रेन खड़ी है तो बस से क्यों जाए। थोड़ा बस से मैं बहुत बार गया हूँ तो अभी थोड़ा ट्रेन का भी एक्सपीरियंस कर लेते हैं इधर का। ट्रेन तो पकड़ ली है लेकिन भीड़ जो है ना बहुत ज़्यादा है इधर। देखो कैसे, बट कोई नहीं, 1 घंटे का रास्ता है, 1 घंटे में पहुंच जाएंगे हम। माता रानी के दरबार में, और जैसा कि आप सबको पता है मैंने राजस्थान से ये जर्नी स्टार्ट की थी और 3 टियर एसी में मैं जम्मू तक आया तो उसके मुझे 1000 रुपये गए। अगर आप लोग स्लीपर क्लास से आते हो तो आपको जाएंगे ऑलमोस्ट 500 रुपये और वहाँ से जम्मू से कटरा तक के मुझे गए 60 रुपये। 60 रुपये में यहाँ पे आ चुका, तो टोटल जो है आप लोग 560 में भी आ सकते हो। और अगर आप लोगों को थोड़ा कम्फर्ट चाहिए 3 टियर एसी में आना है तो आप लोग 1050-60 रुपये में भी यहाँ पर आ सकते हो। बाकी यहाँ से जो है भवन तक कैसे जाना होगा, आपको IRFD कार्ड वगैरह सब कैसे बनाना होगा, वो मैं आपको इसके अगले पार्ट में बताऊंगा जो कि यहीं से स्टार्ट करूंगा। तो सबसे पहले सारी जो चीज़ें हैं, हाँ बड़ा आप चीज़ें, तो सबसे पहले हम लोग स्टेशन के बाहर चलते हैं और इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करूँगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना।